हेलो। यस सर। हाँ, तो अगर आप लोगों ने सर्किट कॉपी में ड्रॉ की होगी, हाफ वे वोल्टेज डबलर की, अभी जो नई सर्किट बना के आई है, बनाया हमने, तो बताओ इन दोनों में मिला कुछ चेंज हो रहा है सर्किट में? नो कुछ चेंज सर। बस हमने क्या किया, पोजीशन किसका की जगह वायर बढ़ा दिया, लंबाई तो की है, बढ़ा दिया वायर की, यस सर। बाकी सर्किट सेम है कि नहीं है? अब यस देखो, सर। सेम। हमने चाहे हाफ वे वोल्टेज डबलर पढ़ा है, चाहे फुल वे वोल्टेज डबलर पढ़ा है, डबलर अगर पढ़ा है तो कितने डायोड यूज हुए हैं दो और कितने दो कैपेसिटर यूज हुए हैं? दो। दो तो इसका मतलब अगर ट्रिपलर यूज करें तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में क्या आता है, कितने डायोड यूज किए गए? सर, तीन तीन डायोड डायोड, एंड तीन तीन कैपेसिटर। डायोड और तीन कैपेसिटर। तीन अब हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं, इन यह जो सर्किट अभी दिख रही है, जानबूझकर हमने इसमें चेंज किया ताकि आपको सर्किट याद रहे आसानी से। कैपेसिटर्स हॉरिजेंटल लाइन में है कि वर्टिकल लाइन में? वर्टिकल कैपेसिटर्स हॉरिजॉन्टल हॉरिजेंटल, और डायोड डायोड वर्टिकल वर्टिकल और वर्टिकल कुछ अल्टरनेट पाथ दिख रहे हैं कि पहले वाले लूप में कैपेसिटर ऊपर है तो दूसरे लूप में कैपेसिटर नीचे है, यस सर। तो तीसरे वाले लूप में कैपेसिटर ऊपर होगा। ऊपर कर दो। चलो ठीक है, वेरी गुड। और पहले वाले लूप में डायोड डाउनवर्ड्स है, दूसरे वाले लूप में डायोड अपवर्ड है, तो अपवर्ड तीसरे वाले डाउनवर्ड में तो डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड। इसको कर लो C3, इसे कर लो D3, या ट्रिपलर हो गया। ठीक है, जिसे जो सर्किट डायग्राम बोलते हैं ट्रिपलर, अभी दिखाएं कैसे ट्रिपलर हो रहा है यार, लेकिन याद रखने के लिए अभी तरीका कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसी को क्वाड्रपलर में कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जाए? सर टायर चार एक और डायोड ऐड लगाएंगे। कर हाँ, दो ना। एक हाँ, और एक कैपेसिटर कैपेसिटर नीचे कहाँ? और डायोड कैपेसिटर नीचे, नीचे कैपेसिटर नीचे नीचे और डायोड डायोड को अपवर्ड डायोड पॉइंट करना अपवर्ड। अपवर्ड। यह D4 हो गया और यह C4 हो गया। सी दिस फोर इज द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज क्वाड्रपलर। तो यानी वोल्टेज ट्रिपलर और क्वाड्रपलर हमने एक ही बना दिया, और यही यस बनाना सर। भी आप लोगों को। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। एक चीज बताओ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल लगी तो कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा? सर सर डी डी वन वन एंड डी फोर और डी थ्री D1 एंड D3, डी तो D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो उसका मतलब C1 और C3 चार्ज होगा। यस सर। यस सर। पहले कौन सा चार्ज होगा, बैटरी के नजदीक कौन सा, ट्रांसफार्मर के सी नजदीक? वन सी वन सी वन तो चार्ज, सी वन तो ऐसे ही चार्ज होगा जैसे नीचे इक्विवेलेंट सर्किट बनाया गया था। यस सर। यस सर। तो C1 के पोलैरिटी रहने दें, हाँ यस सर। फिर निगेटिव हाफ साइकिल है तो C2 भी वैसे चार्ज है जैसे अभी सेकंड वाले ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे। यस सर। C1 C2 में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, फिर अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस समय C3 चार्ज होगा। अब जरा ये सोच के बताओ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये प्लस और ये वाला माइनस माइनस। माइनस। अभी बताओ जो सेकेंडरी के प्लस वोल्टेज है उसका हम इनपुट कह रहे हैं, इनपुट की वजह से करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी कि एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज चलो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। और इनपुट की पीक वैल्यू कितनी है? वीएम वीएम VM की वजह से क्लॉकवाइज। C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वजह से करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। चार्ज होने के बाद कैपेसिटर बैटरी से बिहेव करता है एनर्जी सोर्स जैसे, और एनर्जी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, रिमेंबर। तो C1 की वजह से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। C1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? वीएम 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 और C2 के अक्रॉस जैसे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव से करंट निकलती है, निगेटिव क्लॉक। घूम के आती है। यस सर। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब ऐसे एक और बात कर लें। और C2 के प्लस वोल्टेज कितना है? टू वीएम टू अब बताओ इन दोनों वीएम को देख के रिजल्टेंट क्या बचेगा और किस डायरेक्शन में से, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज कितना? टू वीएम बचेगा। टू वीएम टू वीएम तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो C3 चार्ज होगा, तो पहला प्लेट कैसे कैसा रहेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। और दूसरा प्लेट नेगेटिव। और इसके क्रॉस रिजल्टेंट कितना बचा था? वीएम टू टू वीएम वीएम टू वीएम ये वाला बचा था ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे। यस। अब जब फिर अगली निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, थोड़ा सा नीचे जगह बना ले रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। अब जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो
तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला टर्मिनल माइनस इनपुट का और ये वाला टर्मिनल प्लस, तो इनपुट को से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। इनपुट मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे ना? यस सर, यस सर। और इनपुट की पीक वैल्यू कितनी है? वीएम। बस सी1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो, क्लॉक एंटी क्लॉक? सर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, चलो एंटी क्लॉक और हो गया, उसकी वैल्यू भी कितनी है? VM. C3 के क्रॉस जो वोल्टेज है क्लॉकवाइज, फिर वही गलत थी, एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। C3 तो एंटी क्लॉक है, वो मैं C2 देख लेता हूं। उसके उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 2 VM। और C2 के क्रॉस जो वोल्टेज है उसके वजह से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब लाइक दिस। यस। और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 2 VM। अब बताओ 2 VM या क्लॉक 2 VM और एंटी क्लॉक 2 VM कैंसिल। Yes, sir. तो बचा क्या, एंटी क्लॉक 2 VM बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. एंटी क्लॉक मतलब करंट ऐसे फ्लो होगी ना, तो ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल माइनस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. एंटी क्लॉक करंट फ्लो हो रही है तो, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2 VM। ये दोनों बचे हैं ना? Yes, sir. 2 VM। समझ में आ रही है बात? जितना हम समझाएं समझने के लिए आपको एग्जाम में इतना नहीं दिखाना, बस आपको पोलरिटी याद रहे, सर्किट याद रहे, बस इतना दिखाना। इसका वर्किंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, टिप्पर रोको डप्लर का, ठीक है? बस सर्किट बना के आपको पोलरिटी और किसके क्रॉस कितना वोल्टेज ये लिखना है। अब एक चीज बताओ कि अगर हम तुमसे बोलें कि चेक द आउटपुट कॉन्सेप्ट, इसके क्रॉस अगर क्या बेटा, किसी को डाउट है? तो ये करंट फ्लो वाला, आपकी आवाज कट रही है। क्या किसी को और आवाज क्लियर है कि सुनाई दे रही, तो बता दे क्या बोल रहे हैं। नो सर, फ्लक्चुएट कर, तो शायद करंट फ्लो वाला पूछ रहा है कुछ। सर करंट की डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कैपेसिटर का सर डायरेक्शन कंफ्यूजन। अच्छा चलो अभी दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी जितना पोलरिटी मान लो सही बताया हमने, ठीक है? अभी अगर हमारे पास हम लिखें V0 = VC1 VC1 + VC3 और यहां से यहां तक आउटपुट लें, तो कितना आउटपुट मिलेगा, दिख रहा है कहां से कहां तक की बात हुई आउटपुट की? यस सर। C1 और C3 के क्रॉस केवल लोड कनेक्ट किया जाए, पॉइंट ए प्लस 3 VM होगा और पॉइंट बी के बीच में 3 VM हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ऊपर जो लिखा गया वोल्टेज ट्रिपलर हो गया। yes, और इसी तरीके से अगर हम यहां से और यहां के बीच में आउटपुट लें, तो कितना मिल जाएगा? देखो अगर ट्रिपलर है तो 3 डब्बे, ठीक है, डब्बा 1 डब्बा 2 3 एंड अगर क्वाड डब्बर है तो 4th डब्बा भी, ठीक है? हर एक डब्बे में एक डायोड, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर हॉरिजॉन्टल ब्रांच में लगाओ, एक डब्बे में ऊपर, दूसरे डब्बे में नीचे, तीसरे डब्बे में ऊपर, चौथे डब्बे में नीचे, डायोड वर्टिकल ब्रांच में, एक डाउनवर्ड, दूसरा अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, याद रहेगा? यस यस। देखो सारे कैपेसिटर्स का पहला प्लेट कैसा है? पॉजिटिव। पोलैरिटी भी याद रखनी, जनरेट खत्म। यस सर। बस एक चीज याद रखना है, इसमें C1 कैपेसिटर एक ऐसा है जो केवल VM तक चार्ज हुआ है, बाकी सब कितने yes, तक कहां तक चार्ज हुए हैं? 2 VM तक, ठीक है? इसको दोबारा देख लीजिएगा, करंट की कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा। सो यस सर, क्या दिक्कत थी सर? डायरेक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे।
अभी क्लियर है कि दोबारा बताएं? सर C3 और C4 की बता दीजिए। तो C3 और C4 में यही तो बता रहे हैं कि C3 मतलब D3, D3 का फॉरवर्ड पास कौन सी हाफ सेट में होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ये आज हमारे पास ये वाला टर्मिनल देखो जो प्लस लिखे हैं, पॉजिटिव हाफ सेट मतलब ये प्लस और ये वाला माइनस, और यहां वोल्टेज कितना है सर? Vin। और Vin की पीक वैल्यू कितनी है? Vm। तो इसकी वजह से करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी कि एंटी क्लॉकवाइज? इनपुट की पोलैरिटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हो गया। और Vm इसकी वैल्यू कितनी है? Vm C2 जो चार्ज हो चुका था पहले, C2 भी चार्ज होने बैटरी से बिहेव करेगा ना? यस सर। तो बैटरी के तो पॉजिटिव टर्म से करंट निकलती है, तो यहां से करंट निकलेगी ना ऐसे? यस सर। तो C2 को से जो करंट होगी क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉक? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एक और, क्लॉकवाइज एक और बना लो। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 Vm। और C1 जो चार्ज हुआ था इसके वजह से करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एरो ऐसे होगा ना? यस सर। और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? Vm। अब बताओ क्लॉकवाइज में कितना वोल्टेज है टोटल? सर 3 Vm। और एंटी क्लॉक में? 3 Vm। Vm सर, Vm। तो रिजल्टेंट क्या बचेगा? 2 Vm। यस सर 2 Vm। कौन से डायरेक्शन में? सर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होगी इस लूप में ऐसे, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो कैपेसिटर चार्ज होगा, तो इधर से करंट एंटर करेगी प्लस, इधर से लीव करेगी वो माइनस। यस सर। और कितना बचा है? 2 Vm। तो C3 के प्लस कितना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा? सर 2 Vm। वही तो बताए हैं, और क्या बताए हैं? यस सर, आप समझ में आ गया। इसी तरह C4 वाला सोचना, देखना समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, और किसी को इससे कुछ पूछना तो होता ही है। एक काम करिएगा आप लोग, सिलेबस का जरा प्रिंट आउट ले लीजिए, जो जो टॉपिक कवर होता जा रहा उसको अंडरलाइन करते जाओ। टाइम कम है, थोड़ा बहुत ट्यूट क्लास में चाहे एक्स्ट्रा क्लास हो, कभी 10 मिनट का टाइम मिले सर ये टॉपिक छूटा जरा बता दीजिए। ठीक, ऐसे करते रहोगे तो सारी चीजें कवर भी हो जाएंगे। आप लोग के 3 क्विज होने हैं ना? चार होने हैं। यस सर। तो 4 हो जाने, तो उसके बाद हम बाकी जो बड़ा टॉपिक उसको कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्विज का पेपर भी बनाना होता है उसमें साथ में जल्दी जल्दी हर यूनिट से। ठीक है, अभी मीटिंग एंड करें। अच्छा सर, ये पूछना था सर, जैसे कि हम लोग तो, मैं तो अपने नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपके वो पीएन मेंशन वाले नोट्स देखे थे, तो देखा था कि कहीं कहीं हम लोग जो है मतलब लिखने में कीवर्ड्स मिस हो जा रहे हैं, तो नोट्स का क्या करें सर? मतलब आपके पास आके वहाँ पे PDF बना के डाल दें ग्रुप पे? नोट्स हमारे पास रखा है, जब आप आइएगा तो ले लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक और कुछ किसी को पूछना होने तो मीटिंग एंड करें। ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।